नमस्कार दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। हम इस वीडियो में आज कक्षा 6 का संस्कृत विषय की वर्कशीट 2020 और 21 देखेंगे। दोस्तों मार्च माह है, मार्च माह की वर्कशीट है। सबसे पहले हम इसमें देखेंगे दोस्तों, विद्यार्थी अपना नाम लिखे, विद्यार्थी अपना नाम लिखे, यहाँ पर पिताजी का नाम लिखे और शाला जहाँ पर इस जिस स्कूल में विद्यालय में बच्चा पढ़ता है वहाँ पर अपना यहाँ पर नाम लिखें। क्लास लिखें, क्लास छठी छठवीं, ठीक है दोस्तों। अब अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो आपको आसानी से मिल सके। दोस्तों हम देखेंगे, यहाँ से हम वर्कशीट स्टार्ट करेंगे। दोस्तों यहाँ पर लिखा है, यहाँ से वर्कशीट पर कार्य प्रारंभ करें। खंड दे रखा है, आ पूर्णांक है उसमें 30 नंबर के। तो दोस्तों खंड आ में 30 नंबर का पूर्णांक है। उचित विकल्पम चित्वा लिखत है, यानी उचित विकल्प चुनकर लिखना है। एतत् चित्रम अस्ति, एतत् चित्रम अस्ति। तो दोस्तों ये चित्र दिख रहा है किसका है, तो उत्तर है छत्रस्य। किसका? छत्रस्य। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों हम उदाहरण अनुसार धातु प्रत्यय च पृथक कुरुतः। उदाहरण के अनुसार धातु प्रत्यय अलग अलग करना है। तो दोस्तों यहाँ पर उदाहरण दे रखा है, चलितुम यानी चल और तुमुन, तो यहाँ पर लिखा है गंतुम तो गम और तुमुन, पठितम तो पठा और तुमना, हसी हसितुम तो हसा और तुमना। तो इस तरह से आपको इनको अलग अलग करना है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट है दोस्तों प्रश्न नंबर 2, अधोलिखित कथ्यांशम पठित्वा प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृते लिखता। नीचे लिखे गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में लिखिए। सिख धर्मस्य प्रवर्तक गुरु नानक देव पंजाब प्रांत अभवत। एकदा सह धर्म प्रचारार्थम अगच्छत, तत्र एक श्रमिका गुरु दृष्ट्वा स्वागतम अक्रोत एवं च भोजनार्थ रोटिका समर्पयत। एका उच्चवर्गीय धनिक अपि गुरुवा गुरुवे मिष्टानम अच्छेत। दोस्तों यहाँ पर देखा है, यहाँ पर दे रखा है सिख धर्म धर्मस्य प्रवर्तक का, यानी सिख धर्म के प्रवर्तक कौन थे। तो दोस्तों उत्तर लिखना है सिख धर्मस्य प्रवर्तक गुरु नानक देव, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों हम श्रमिका का समर्पितवान, यानी श्रमिका तो दोस्तों का की जगह हम लिख देंगे रोटिका समर्पितवान। नंबर 3 है धनिका किम अच्छियत अयच, यानी धनिका मिष्टानम अयच्छत, यानी कि धनिक जो था वो मिष्टान लेकर आया। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों अभवत अस्मिन शब्दे का लकार अस्ति। तो इस शब्द में अभवत शब्द में कौन सा लकार है, तो लट लकार, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट दे रखा है प्रश्न नंबर 3, अधो लिखिताम पद्यांशम पठित्वा प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृत लिखत, यानी नीचे जो पद्यांश दे रखा है उसको पढ़कर संस्कृत में उत्तर लिखना है। नरस्याभरणम रूपम रूपस्याभरणम गुणः गुणस्याभरणम ज्ञानम और ज्ञानस्याभरणम क्षमा। तो दोस्तों गुणस्य आभरण किम, यानी गुणस्य आभरण किम, तो गुणस्य आभरण ज्ञानम, क्या है दोस्तों गुणस्य आभरण ज्ञानम। नेक्स्ट देखेंगे नरस्य आभरण किम, नरस्य आभरणम किम, तो नरस्य आभरणम रूपम, नरस्य आभरणम रूपम। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों नेक्स्ट है गुणः कस्य अस्ति, तो गुणः रूपस्य अस्ति। ज्ञानस्य अस्मिन् शब्दे का विभक्ति, यानी ज्ञानस्य में कौन सी विभक्ति है, तो षष्ठी विभक्ति, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट देखेंगे पाठ्य पुस्तक श्लोक लिखता, यानी अपनी पाठ्य पुस्तक से एक श्लोक लिखना है। तो वयम धीरा वयम वीरा वयम सर्वत्र विचराम विचराम
चरामो लोक सेवार्थ प्रचलामो निरंतरम। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको एक श्लोक लिखना है अपनी पाठ्यपुस्तक से। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट है दोस्तों प्रश्न नंबर 5 है, निम्नलिखित शब्दानाम उचित रिक्त स्थानेषु योजित होलिकोत्सव वर्णतः लिखता है। निम्नलिखित शब्दों को उचित रिक्त स्थान में जोड़कर होलिका उत्सव का वर्णन किया है। होलिका दहनम षष्ठ दिवसे, होलिका दहनात रंगपंचमी, धूलवंदनम षष्ठ दिवसीय। तो दोस्तों होलिका उत्सव षष्ठ दिवसीय उत्सव, यानी होलिका उत्सव 6 दिन का उत्सव है। स होलिका दहनात आरंभ, यानी कि वह पहला दिन होलिका दहन से आरंभ होता है। रंगपंचमी पर्यंतम भवती, प्रथम दिवसे होलिका दहनम, द्वितीय दिने धूलवंदनम, षष्ठ दिवसे रंगपंचमी पर्व भवती। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारी रिक्त स्थान हो गई। नेक्स्ट देखेंगे उदाहरण अनुसारम उपसर्ग योजिता पद निर्माणम कुरुता, इन्हें उपसर्ग जोड़कर पद निर्माण करना है। तो अनु करोति, ठीक है दोस्तों, तो प्रति करोति, तो प्रति करोति, विहरति यानी विहरति, समहरति यानी सह सहरति यानी सहरति, हरति प्रहरति यानी प्रहरति। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे आपको अनु उपसर्ग जोड़ना है। तो जैसे यहाँ पर शब्द दे रखा है उसमें करोति जोड़ना है, यानी करोति ऐसे उपसर्ग आपको बना के जोड़ना है। नेक्स्ट है दोस्तों प्रश्न नंबर 6 है, कोष्टक कोष्टकात शब्दान चित्वा पत्र पूर्ति कुरता है ना, कोष्टक में शब्दों को चुनकर पत्र को पूरा करना है। ईश्वरस्य सुधा प्रणामा राकेशः करोति स्वास्थ्यम, उज्जैनी नगरात दिनांक 25/12/2020, पूज्य माता प्रणामाः, अहम ईश्वरस्य कृपया कुशलिनी अस्मि, भवत्या स्वास्थ्यम कथम अस्ति, मम अध्ययनं सम्यकं चलति, अनुज राकेश अध्ययनं नियमित रूपेण करोति इति आसाम करोमि, भवत्या या पुत्री सुधा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है दोस्तों परियोजना कार्यम पूर्णांक 20 है, खंड 2, प्रश्न नंबर 7, स्वतंत्रता दिवसी पाठाधारेण राष्ट्रीय ध्वज चित्रम को निर्माण कृत्वा राष्ट्रध्वजस्य वर्णम कुरुतः। तो दोस्तों राष्ट्रध्वजे वर्ण, तो कितने वर्ण है? 3। ध्वजस्य प्रथम पट्टिकायाम, तो कौन सी है प्रथम पट्टिका? है केसर वर्ण वर्तते। ध्वजया मध्यम पट्टिका वर्ण वर्तते, तो कैसी है? तो वो है श्वेत। ठीक है दोस्तों, ध्वजस्य अध पट्टिका, तो हरितः वर्ण वर्तते। राष्ट्रध्वज का यहाँ पर आपको दोस्तों चित्र बनाना है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे ब विज्ञानस्य आविष्कार पठाधारेण विज्ञानस्य आविष्कारणम दश नामामि संस्कृते लिखित्वा चित्रम निर्माणम कुरुत। तो दोस्तों 10 जो विज्ञान का आविष्कार है वो आप नाम लिखना है और यहाँ पर चित्र बनाना है। ठीक है दोस्तों, तो हम देखेंगे, सबसे पहले देखेंगे विज्ञान का आविष्कार, दूरदर्शनम, दूरवाणी यंत्रम, आकाशवाणी यंत्रम, वायुयानम, हिम शीतकम, राडार यंत्रम। ठीक है दोस्तों, और बाकी और आपको यहाँ पर रीड करना लिखना है और यहाँ पर इसमें आपको चित्र बनाना है, चित्र बनाना या चित्र को लगाना है। ठीक है दोस्तों।